राजस्थान फोरम और आईटीसी राजपुताना के बिहाफ पे मैं आप सब का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हम एकत्रित हुए हैं डेजर्ट सोल की अगली श्रृंखला के लिए एंड वी आर वेरी थ्रिल्ड टू हैव टू शाइनिंग स्टार्स ऑफ नॉट इवन आवर कंट्री बट विद वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। डेजर्ट सोल के प्रस्तुत करता है श्री सीमेंट्स और इसके हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हैं आईटीसी राजपुताना। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आईटीसी राजपुताना के जनरल मैनेजर ऋषि मट्टू जी को वेलकम एड्रेस के लिए। टू वन एंड ऑल ओवर हियर, इट्स गुड टू सी सच अ नाइस गैदरिंग एंड स्पेशली टू वेलकम आवर सेलिब्रिटीज हियर एंड I hope this is a good, interesting session, another one of Rajasthan Forum. Thank you all for being here. Much, Rishi ji. As I said that we are very thrilled to have two shining stars with us. Please allow me a moment to formally introduce Bharat Ratna Bhargav ji. Hum sab jante hain ki Bharat Ratna Bhargav ji is a renowned theater professional. Having over 40 years of teaching and writing experience in multiple fields of theatre, including literature and broadcasting. He is an established critic and a recognized scholar on Natya Shastra and the Indian theatre. He has acted, directed many plays and has translated, adapted numerous Sanskrit and other regional languages plays into Hindi. The award list is very very long. दोनों का बायो मेरे पास है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ किसमें कितने शब्द कम है, बिकॉज अगेन यू नो द अवार्ड लिस्ट ऑफ बोथ दी स्टार्स इज अमेजिंग। एट प्रेजेंट आई रियली लाइक टू मैंशन दैट ही इज वर्किंग विद विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन फॉर थिएटर इन जयपुर। मैनी मैनी बेस्ट विशेज सर, मोस्ट वेलकम सर। In conversation, we have our own Rajasthan Forum member, Ila Arunji. Ila ji, thank you so much for taking the flight from Mumbai and being here for this conversation. And hum sab jante hain that she's an Indian actress, a TV personality, Rajasthani folk pop singer. I think a name that is synonymous to folk music in India. And we are extremely thrilled. I'd also like to mention that you know His Majesty King Harald V of Norway had conferred the Order of Merit Knight First Class on Ila ji for her outstanding work in promoting Norwegian culture in India. We are very proud of this fact. And again, as I said that you know the award list to bahut hi lambi hai, main zyada samay nahi lungi. Bahut bahut dhanyawad, bahut bahut swagat aapka. समय की, क्योंकि मेरी आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, नहीं तो मैं कॉर्डलेस हूँ। मुझे जब ये कहा गया कि भारत भाई साहब के साथ बातचीत करनी है, तो मैंने सोचा कि फोरम का पहली बार मुझे फ़ायदा मिला कि मैं इनके साथ बैठ सकूं और बात करूं। हमारी रिश्तेदारी बहुत पुरानी है और मैं ये सोच रही थी, इन्होंने एक बार मुझे इशारा भी किया कि दिल्ली से फ़ोन आया कि इला तुम मेरे को बहुत अच्छी तरह जानती हो, पर तुम्हें शायद ये नहीं पता है कि इतने साल में मैं क्या कर गुजरा हूँ, तो तुम पढ़ना चाहोगी? मैंने कहा भाई साहब मैं आपसे सवाल तो कर ही नहीं सकती हूँ, मैं आपके साथ बातें करूँगी, आपसे कुछ सीखूँगी और यादों के गलियारों में जाएंगे जहाँ आप जयपुर के रंगमंच की बात करें। और मेरा इनका साथ इतना लंबा है, कभी ये मेरे बाप बने हैं, कभी मैं इनकी रानी बनी हूँ और ये मामूली राम रहे हैं, कभी मैं मालकिन बनी, कभी मेरे डायरेक्टर बने, कभी ये लेखक बने हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये अद्वितीय पर्सनैलिटी के मालिक भाई साहब हैं। फिर भी मैंने सोचा कि बात करने के पहले मैं अपने ही शब्द ना भूल जाऊं, तो चार लाइनें मैंने लिखने की धृष्टता की है। सुमधुर स्वभाव, विलक्षण प्रतिभा, सदी हुई लेखनी, अति नाटकीय ठहाके, ज्ञानमय चक्षु, इसके आगे क्या बोले ये अनपढ़ भिक्षु। भिक्षा ददा, भिक्षा ददा, भिक्षा ददा। तो मैं इनको प्यार से, पहले जब इन्होंने कहा कि हम वहाँ नाट्य कुल में, मैं 10 साल से यहाँ पे इतना विशेष काम कर रहे हैं,
फिर मैं एक बार भाई साहब से मिली तो दाढ़ी तो लंबी होती जा रही थी तो मैंने इनको वाल्मीकि कहना शुरू किया। फिर परसों मेरा ख्याल आया कि वाल्मीकि तो शुरू में डाकू ही थे, तो इन्होंने क्या करा, अब इनकी वाइफ पहली इस पर बैठी हुई हैं, जवानी में इन्होंने बहुत सी लड़कियों का दिल चुराया है, उस पर डाका डाला, तो ये वाल्मीकि तो वाल्मीकि अगर मैं कह दूँ तो दृष्टता नहीं, फिर सूरदास भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं, सूरदास जी बच अपने पैदा होने के साथ ही अंधे थे, भाई साहब ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनकी की जो कि दृष्टिविहीन है, पर उनकी उनके अंदर चक्षु जगाने वाले, उनकी विजन के साथ विजन मिलाने वाले, और एक ऐसा काम कोई सोच नहीं सकता है कि जिंदगी को त्याग करके फिर वो आ करके 10 साल से यहाँ पर ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, ये विचित्र बात है और ये सराहनीय बात है। फिर भी मैं सोच रही थी आगे क्या बोलूँ, तो आगे कहना था कि देखिए ये वो भारत रत्न है कि जिसके की पूत के पाँव पालने में पिताजी ने पहचान ली थी। वो जानते थे कि देखिए अवार्ड तो कई बार क्या होता है कि आदमी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, थोड़ी बहुत सिफारिश, थोड़ी बहुत जान पहचान भी बढ़ानी पड़ती है। तो उनके पिताजी ने पैदा होते सोचा इसका नाम मैं रखूंगा भारत रत्न, नाम मैंने दे दिया, काम अपने आप बोलेगा। तो काम इनका बोल रहा है, भाई साहब कर रहे हैं, तो आज मैं भाई साहब के साथ मेरा क्या रोल होगा ये सुनिए आप। नसीम आ गया हो, हमारे पुराने दोस्त, प्लीज अकोमोडेट नसीम। तो भारत भाई साहब जो हैं उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना भी कम बोला जाए उतना ही अच्छा है, पर मैं क्या रोल कर रही हूँ भाई साहब, तो ये नाट्य शास्त्र से जुड़े हुए हैं। तो आप भरत मुनि का नाम सबने सुना है, पर भारत मुनि का नाट्य शास्त्र क्या है वो भारत मुनि स्वयं बताएंगे। और मैं जो हूँ, जैसे कि पारंपरिक नाटकों में हुआ करता था कि सूत्रधार आता था, एक प्रस्तावना कर दी, उसके बाद बीच में एक टिप्पणी, अगर दृश्य परिवर्तन होता है या अंतराल होता है तो बीच में आ जाएगा, मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि टाइम कम है, ही मस्ट स्टॉप। या फिर अगर लोक नाट्य के हिसाब से चलें तो मैं रंगला रंगली में से रंगली हूँ, कभी भी कोई बेतुका बिना सरपैर का अगर सवाल करना होगा तो मैं आ जाऊँगी। ठीक है भाई साहब, तो अब आप बोलिए और आप बताइए कि ख़ास फोकस जो है वो मेरे ख्याल से भाई साहब यादों में जाएं, जयपुर की रंगमंच की बात करें, आपने इतना कुछ जयपुर के रंगमंच को दिया है, इतने हमारे बड़े बड़े साथी चले गए हैं, जो भी आप कहना चाहें वो आप बात शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मुश्किल स्थिति पैदा कर दी है एला जी ने। अपने यादों के बारे में, अपने पुराने काम के बारे में, अपने सहयोगियों के बारे में उतने प्रामाणिक तरीके से कहना ये ज़रा थोड़ा दिक्कत तलब है। बहुत अच्छी बात है कि हम तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारे सामने भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत शुरू से हमसे जुड़े हुए रहे हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं बहुत बहुत ही अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि एला जी के साथ बातचीत करने का मौका मिला, इसलिए कि जयपुर रंगमंच में ये बहुत ही ताज्जुब की बात है, संयोग कहिए या कुछ भी कहिए, जयपुर रंगमंच में पदार्पण हम दोनों का एक ही नाटक में एक ही निर्देशक के अंतर्गत हुआ, आज से लगभग 45 या 50 साल पहले, उस वक्त ये हाई स्कूल में शायद नाइन्थ के स्टूडेंट थे। आप ज़रा सोचिए, मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे मौका दें तो याद दिलाऊँ। ये ऐसी गलत चीज़ याद कर बताने वाले, मैंने बार बार इनसे कहा ये मत बताइएगा, पर ये वहीं पे अटक गए। इसमें मैंने एंट्री ली थी जूनियर आर्टिस्ट की तरह से, तो बताइए भाई साहब। मित्रों, मैं ये तो आपको पता ही है, शायद ज़्यादातर लोग जानते हैं कि नाटक में मैं बाद में आया, लिखने पढ़ने से ताल्लुक़ था मेरा, और मोहन भाई, ओम शिवपुरी
अरुण माथुर ये बहुत रेडियो पे ये नाटक विशेष नाटक करते थे, हम कॉलेज के ज़माने में साथ साथ थे। जब मोहन भाई NSD से आए वापस कोर्स करने के बाद, तो चाह रहे थे कि कहीं से उन्हें समर्थन सहयोग मिले, तो राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी, उस वक़्त संपूर्णानंद जी राज्यपाल हुआ करते थे, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने वर्ष पुरानी बात है, और उनके बेटे सर्वदानंद राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष थे। जब मोहन भाई गए वहाँ कुछ मदद वगैरह के लिए, तो उन्होंने कहा मेरा नाटक आप करेंगे तो आपको पैसे की कमी नहीं होगी। अब मोहन भाई बहुत ही परेशान हुए कि मैं जो नाटक करना चाह रहा हूँ वो मुझे करने नहीं दिया जा रहा, और इस तरह की शर्त। आपस में बैठ करके बातचीत करने लगे। मोहन भाई ने कहा कि अगर हमें कुछ नाटक में परिवर्तन करना है कि अगर आप इजाज़त दे दें तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बड़ी खुशी हुई मेरा नाटक होगा, उन्होंने कह दिया हाँ। मोहन भाई से मेरे जो संबंध थे वो कविता के और रेडियो के नाटक लिखने पढ़ने के संबंध थे, तो मुझसे कहा कि भारत ऐसी बात है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है, तो उनका एक नाटक है वो चाहते हो करें। नाटक कौन सा है? नाटक भूमिजा है। भूमिजा? अच्छा, रामायण की कथा, राम और सीता की कथा, भूमि कन्या सीता की कथा। मैंने कहा क्या कर रहे हो? अरे उन्होंने अपने को इजाज़त दे दी है चेंज करने की। अच्छा तो ठीक है, हम करने लगे दोनों। अब शीर्षक रखा, पात्र वही, चरित्र वही, और एक जगह है जो नया इंटरप्रिटेशन था मोहन भाई का, वो ये था कि लव कुश ने जो अश्व यज्ञ का घोड़ा है उसको पकड़ लिया है, और भरत और लक्ष्मण की जो सेना है उसका संहार कर देते हैं, और वहाँ भरत इस नर संहार पर प्रश्न करते हैं लक्ष्मण से और राम से कि ये क्यों। ये बहुत ही सामयिक स्थितियों के साथ जुड़ने वाला था, और हमें लगा कि इस नाटक के माध्यम से हम कहानी चेंज नहीं कर रहे हैं और उसमें ये एक बहुत ही सार्थक तत्व तलाश कर रहे हैं। तो ये जब यहाँ तक लिख लिया गया था, ये सीन कि नरसंहार हो गया है और भरत प्रश्न कर रहे हैं, लक्ष्मण वहाँ हैं युद्धभूमि में, और राम से प्रश्न कर रहे हैं कि नरसंहार क्यों, ये क्या यश की लिप्सा के कारण इतने सेना का नरसंहार किया, इसकी क्या तार्किकता क्या है, यश की लिप्सा के लिए किस कारण से हुआ। तो ये जो दृश्य था ये बहुत महत्व, दैट वाज द की सीन ऑफ द प्ले। बहुत लगातार हम रेडियो स्टेशन से निकलते थे, नीरो से बैठते थे, कुछ लिखते थे, और फिर रिहर्सल होता था। मैं बार बार सीन चेंज कर रहा था, सीन बन नहीं रहा था। हम एक दिन जब जा रहे थे तो मोहन भाई ने बहुत ही जो कॉलेज के ज़माने में जिस तरह के हंसी मजाक होते हैं उन्होंने एक चुटकुला छोड़ दिया, और मैं बहुत हंसी के लिए बहुत बदनाम था, अट्टहास के लिए। तो वो उनका मजाक सुनकर मुझे जोर की हंसी आई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, भारत यहाँ से करेंगे सीन शुरू। क्या कैसे? तो फिर उन्होंने ज़रा बतलाया और फिर मैंने वो सीन लिखा। अब मैं जिस सीन लिखा, तो मैं तो लिख रहा था नाटक, एक्ट नहीं कर रहा था। ये जो सीन भरत की भूमिका जो कर रहे थे हम, वो अब नहीं है, उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, इनको याद होगा, वो हंसी नहीं आ रही थी, नकली आ रही थी, और चाह रहे थे कि वो प्रामाणिक हो, व्यंग्यपूर्वक, क्रूर, अट्टहास। तो वो फिर मोहन भाई ने कहा भारत ये रोल तुम करोगे। मैंने कहा मैं नाटक लिख रहा हूँ, दोनों काम कैसे करूँ? नहीं, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं, तुम करोगे। वो उस हंसी के जरिए से मेरा नाटक में पदार्पण हुआ, जिसमें ये सीता की सखी की भूमिका जब 9वीं क्लास में पढ़ रही थी तो उस नाटक में। भाई साहब, क्योंकि आज आपकी तरफ फोकस है, भूमिका नहीं थी, सीता जब विदा होती है तो रोने वाली लड़कियां चाहिए। और मैं जाती थी सिर्फ देखने के लिए कि रंगमंच देखूं, ऐसे लोगों से मिलूं,
तो उनको रोने वाली लड़कियों पे मेरे पे नजर पड़ी और वहां से उस रोने से मेरी जूनियर की तरह से एंट्री शुरू हुई। पर एक ही बात भाई साहब, मैं आपकी आप ही के संबंध में कहूँगी कि आज जो कुछ भी मैं लिखने की तरफ गई, ये बहुत बड़ा आपका मेरे ऊपर एक कहते हैं असर रहा। ऐसा कोई भी नाटक नहीं था, ये एक सवाल है, पुराने नाटकों को जब आप करते हैं उनका समसामायिक होना बहुत ज़रूरी है। और अगर एक लेखक बैठा है और उसके पास लेखनी है, इसलिए नहीं कि लेखनी है और वो चल जानी चाहिए, क्योंकि वो समझ रहा है कि इसको मैं कैसे रेलेवेंट बनाऊँ या कैसे मैं आज के लोगों तक पहुँचाऊँ। और ये बात भाई साहब ने शुतुरमुर्ग में भी करी थी जब आपने कुछ मामूली राम लिखा था और हम लोग NST में नाटक कर रहे थे। नाटक बहुत अच्छा हुआ, तालियां बजी, एक आदमी अचानक खड़ा हुआ और उसने कहा ये मेरा नाटक नहीं है। तो मोहन जी ने देखा, वो ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी थे, नाटक वही था, पर बात जो कह नहीं पाए थे, जो जिस बात की ज़रूरत थी वो चीज़ भारत भाई साहब लेकर आए थे और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने लिखा था। तो ये कई बार आपने नाटकों में इस तरीके से अपना एक उसकी भी अंतर कथा मैं ज़रा बताऊंगा, लेकिन पहले मैं देखता हूँ कि मैं अब कर पाता हूँ इन्हें, पर वो बतलाना चाहता हूँ आपको कि मोहन भाई की दृष्टि, निर्देशक की दृष्टि क्या थी। वो भूमिका जो शुरू में जिन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें एक्ट करना है, वो जो हंसी का दृश्य था उसमें देखिए शेड्स कितनी, किस तरह की शेड्स उन्होंने हंसी में, अगर आप उसे लिखने की कोशिश करेंगे शब्दों में तो शायद वो भाव नहीं आ पाए। वो कोशिश करता हूँ, मैं 40-45-50 साल पुरानी बात हो गई, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा आई डोंट नो, बट आई ट्राई ऑनेस्टली। दैट विल बी फैंटास्टिक। और वहाँ लक्ष्मण एक तरह से उन्हें रोक करके, और ये जो दृश्य था वो नर्स मतलब लाशें गिरी हुई हैं और वहाँ, और उस वक्त ऊर्जा भी ज़्यादा थी। उसके बाद मोहन भाई और हम, ये जो इन्होंने बात कही है शुतुरमुर्ग की, ये नाटक ब्रेख्तियन शैली जो आज बड़ी पॉपुलर हो रही है, मोहन भाई ने पहली बार जयपुर रंगमंच में ब्रेख्तियन शैली का उपयोग किया था, और उसमें भी वही ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक था और उनसे उन्होंने परमिशन ले ली थी चेंज की, और भारत उनका ऐसा साधी था कि अब हम जब करने लगे तो उसमें अब कोरस भी बती विलक्षण, उसके शायद नसीम भी थे, नसीम को याद हो, ये है एक शत्रु नगरी जिसकी जनता और नहीं कुछ, एक भीड़ गूंगी बैरी, कुछ मामूली राम अभी तक समझ न पाए इनकी बात, जिनके कारण पूरा शासन बिल्कुल है बेफिक्र निढाल, आँख खुले तो सोचे समझे लिख डाले इतिहास नया। कैसे याद आ गया पता नहीं, क्या बात, आओ हम सब कुछ ऐसे था। राजा है जनता का सेवक, हाँ राजा भरता है घर वाह, राजा है जनता का सेवक या कि खून का सौदागर, सिंहासन का पाया पकड़े चलता फिरता आडंबर, कुछ मामूली समझ न साए इनकी बात, इनमें कब, हाँ कुछ आंखें हैं डरी डरी, इनमें कब सुर्खी आएगी जो आंखें, वगैरह वगैरह। तो मोहन भाई की हमारी जो इक्वेशन थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी और उसमें हमें आनंद आता था। एक ताज्जुब की बात, अच्छा इसके बारे में एक बात और, जब ये अलकाई साहब को मालूम हुआ, मोहन भाई ने बताया कि ब्रेक्टियन शैली में किया है, तो उन्होंने हमें इन्वाइट किया मेघदूत में, ये नाटक वहाँ NST में हुआ। वासुदेव सिंह जी राजा थे, हाँ है ना, भाषण मंत्री, हाँ तो ज्ञानदेव अग्नि जो इन्होंने बताया विजय बकाया विदेश मंत्री, हाँ बीच में उठ गया कि ये मेरा नाटक नहीं है, और फिर बड़ा विवाद हुआ। फिर अलकाजी साहब ने अगले दिन अपने
घर पे एक मीटिंग जिसमें मोहन राकेश नेमी जी, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, राजेंद्र पाल, बहुत सारे लोग थे और मोहन भाई उन्हें मालूम था कि आज गड़बड़ हो सकती है, तो शील्ड की तरह से मुझे पकड़ लिया कि तू भी चल, और एक इनकी साथी थी अंजुला शर्मा जो अभी भी हैं, हम दोनों को लेकर के वहाँ गए और वहाँ बहुत विवाद हुआ और अल्टीमेटली वो नाटक जो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था उस पर विराम लग गया, पूर्ण विराम लग गया, वो रिपीट नहीं कर सके। उसके बाद हमने समझ लिया, मोहन भाई ने भी, मैंने भी, कि किसी लेखक के नाटक के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी अगर वो लेखक बहुत बहुत पुराना है, अगर उसने 50 साल पहले कुछ चीज़ लिखी है, उस बीच में समाज बदल गया है, उसी की चीज़ को उस इस समाज तक पहुंचाने के लिए लेखक कभी कभी अपनी कलम पकड़ता है, जिसका पकड़ना बहुत ज़रूरी है। वो नाटक को बदल नहीं रहा है, पर वो क्या कहना चाहता था उससे, और अब तक सोसाइटी बदल चुकी है, नीड आती है। आई थिंक योर कंट्रीब्यूशन वाज अमेजिंग। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि मोहन भाई ने जयपुर में जितने भी नाटक किए, ये भूमि जैसे तो मैंने शुरू किया, शुतुरमुर्ग, इसके अलावा आज़र का ख्वाब, गुड़िया घर, नसीम आज़र, आज़र का ख्वाब में ये भी हमारे साथ थे, द विजिट, द मदर, बहुत सारे नाटक किए, और कितने संयोग की और अच्छी बात है कि उन सभी नाटकों में हम दोनों साथ थे। चित्रलेखा तो आपने डायरेक्ट किया था, चित्रलेखा के बारे में बात करेंगे। ये एला जी ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, मेरे डायरेक्शन में काम किया है इन्होंने, एक दो चीज़ें और भी जयपुर के रंगमंच के संदर्भ में। ये इम्पॉर्टेंट बात ये कि वो जो माहौल था वो इतना अद्भुत था। एक मैं छोटी सी घटना बतलाता हूँ। तो शुरू में मैं डायरेक्ट तो करता नहीं था, मोहन जी चले गए थे दूरदर्शन पर, तो यहाँ हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे, कल्चर सोसाइटी ऑफ राजस्थान के HV सक्सेना, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र अमृत राय, उनका नया नाटक लिखा था उन्होंने, हम लोग वो उठा लिया और अमृत राय जी ने कहा इसे आप कीजिए। अब उसका जो मुहावरा था वो रियलिस्टिक मुहावरा नहीं था जिस तरह के नाटक लिखे जाते हैं, वो बहुत सटायरिकल था। और सक्सेना साहब ने जब उठाया तो शुरू तो किया लेकिन फिर संभला नहीं, अब क्या किया जाए। तो हमारे दोनों के ही एक बहुत अच्छे मित्र देवेंद्र मल्होत्रा नहीं हैं, वो बैनी प्रसाद जी, PN कपूर, इन सब लोगों के साथ बैठक हुई सक्सेना साहब के घर, तो इन्होंने कहा कि भारत को पकड़ो डायरेक्शन के लिए, वो अगर तैयार हो जाए तो शायद। अब जब उन्होंने मुझसे, उससे पहले मैंने डायरेक्ट नहीं किया था तो मुझे, मैं तो नर्वस हो गया, तो उन्होंने, मैंने कहा कि अगर मैं नहीं कर पाया तो भाई मैं, मुझे माफ़ करना, बीच में आरोप मत लगाना, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा। मैंने उसे उसके मुहावरे में जो व्यंग्य था उसको करना शुरू किया। सक्सेना साहब उसमें खुद नाटक में एक्ट कर रहे थे, द डायरेक्टर जो मुझसे बड़े जी, वो एक्ट कर रहे थे और पूरा सपोर्ट कर रहे थे। उसमें बहुत सारे लोग इस वक्त जैसे वासुदेव भट्ट, सत्यनारायण शर्मा, हनुमान शर्मा, बहुत सारे लोगों ने, अजय कार्तिक जो उनका बेटा था, जय रूप जीवन, उन लोगों ने पहली बार उस नाटक में काम किया और वो नाटक बहुत ही सफल रहा। उसमें आए, इन्होंने, सक्सेना साहब ने बुलाया अमृत राय जी को, नेमी जी को, मोहन भाई को, रविंद्र मंच पर बैठक हुई और फिर मेरा हौसला बना निर्देशन के लिए कि हाँ। तभी क्या हुआ, मैं एक विशेष बात और बताना चाह रहा हूँ। दिल्ली में हमारे मित्र थे बालस्वरूप राही, बहुत अच्छे पोएट, तो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है चित्रलेखा, आप में से पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने उस पर फिल्म बनी थी वो भी देखी होगी। तो शन्नू खुराना बहुत मशहूर संगीतज्ञ रही हैं, उनके लिए म्यूजिकल प्ले किया था पूरा नाटक छंद में, उपन्यास को छंद में। हम बालस्वरूप राही तो बहुत अच्छे पोएट थे और बड़ा कमांड था छंद पर उनका, और बहुत ही सहज भाषा उसमें उन्होंने किया, बहुत अच्छा हुआ। बहुत कारण जी ने उसमें सहयोग दिया था
लेकिन म्यूजिकली वो जितना रिच था, तो राय भाई से बात हो रही थी, मैंने कहा राय भाई इसमें बस ये संगीत के दृष्टि से तो लाजवाब था, वाह वाह वाह, लेकिन इसमें जो द्वंद था कुमारगिरी का, बीजगुप्त का और उनके बीच चित्रलेखा का, उसकी जो कश्मकश है, उसका जो नाटकीय उद्वेलन है, वो पूरी तरह उभर के नहीं आया। उन्होंने कहा आप कीजिए। मैंने कहा वाह ये कोई बात हुई। फिर उन्होंने कहा नहीं तुम करो। तो शुरुआत हुई इस तरह से, किसी रेडियो नाटक की तरह से हम उसका जो नाटकीय भाव है उसको कविता में चेंज नहीं करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है करते हैं। तो राय भाई ने कहा, उस वक्त बहुत बदनाम हो चुका था, अच्छा भारत ये बताओ कि जब तुम ये करोगे तो ये नाटक मेरा कितना रहेगा और तुम्हारा कितना। तो मैंने उनसे एक वादा किया कि राय भाई मैं एक शब्द भी इसमें परिवर्तन नहीं करूँगा। करने लगे जो वो रेडियो में एला से और मेरा मामा भाई हमारी जो पुरानी टीम थी वही सब लोग थे, करने लगे। तो उस वक्त SMS भटनागर थी रविंद्र मंच के मैनेजर, उन्होंने कुछ देखा तो उन्हें बड़ा आनंद आया। तो उन्होंने कहा कि रेडियो की तरह से क्यों कर रहे हो, इसे फुल फ्लेज प्ले की तरह क्यों नहीं करते। मैंने कहा इसमें इतना खर्चा होगा, ऐसा ऐसे दृश्य, राजमहल का दृश्य, सन्यासी का दृश्य, ऐसा ऐसा बड़ा मुश्किल है, मुझे चेंज करने की परमिशन नहीं है। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, मुझे बताओ कितना खर्चा होगा। और क्या बात है, आज वो नहीं है, हम उनको मैं नमन करता हूँ उनकी स्मृति को। सब लगा दिया लाजवाब। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो बता। अब मैंने इतना सा कि मैं तो लग गया नाटक के रिहर्सल में, ये राजधानी होटल के जो मालिक हैं वीरेंद्र कौशिक, हम बहुत अच्छे हमारे मित्र होते थे, उनको हमने बीजगुप्त के लिए, हनुमान शर्मा कुमारगिरी के लिए, और ये जब नाटक इसमें नंदलाल शर्मा, वासुदेव सिंह उसकी लाइट्स कर रहे थे, हिम्मत सिंह जो JNU में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं वो उसके सेट डिज़ाइन कर रहे थे, और क्या टीम थी। और हमने इला जी ने 3 महीने रोजाना 4 घंटे, 4 घंटे से भी ज़्यादा कथक नृत्य की प्रैक्टिस की थी। इन्होंने कथक उससे पहले कभी किया नहीं था, और जब इन्होंने उस नाटक में, मैं लोग ताज्जुब कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि नहीं ये क्या चित्रलेखा नर्तकी है, ये इला क्या करेंगी। जब उन्होंने देखा, गौरीशंकर जी ने उसका नृत्य निर्देशन किया था, सारे लोग ताज्जुब में, इला अरुण को चित्रलेखा ने एक बहुत परफेक्ट नर्तक, कथक नर्तकी के तरह से प्रस्तुत किया, और जो दर्शक थे वाह 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 कर उठे। अच्छा अब ये हुआ, इसकी भी चर्चाएँ खूब हुई दिल्ली में, इसके संबंध में एक बहुत बड़ी बात, हमारे मित्र लोग भी कैसे कैसे दिल्ली में कैसे जाएं, कर नहीं सकते थे। तो देशांतर, आपने नाम सुना होगा, उसमें ओम शिवपुरी और मोहन महर्षि वगैरह और रामगोपाल बजाज वगैरह दूसरे लोग भी थे, तो देशांतर स्पॉन्सर कर दे तो शायद हम कर सकते हों। 4, 5 और 6 फरवरी 1974 IFAX में ये नाटक हुआ। और जब नाटक हुआ तो आप अगेन, ओम शिवपुरी नहीं है, मैं उनको भी नमन करता हूँ, वो बॉक्स ऑफिस पर बैठे टिकट बेच रहे थे चित्रलेखा के, और तीनों दिन हाउसफुल, और ऐसी ज़बरदस्त उसकी प्रशंसा हुई। फिर उसके कारण थे कि हम रिपीट नहीं कर सके, मांग बहुत थी, फिर मुझे भी नौकरी के लिए जाना पड़ा। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ, उस वक्त का जो माहौल था जयपुर का वो लाजवाब था। एक तरफ सक्सेना साहब, तो वासुदेव, दूसरी तरफ हिम्मत सिंह, सारे लोग, मोहन भाई, पिंचू कपूर, अब मोहन भाई चले गए थे, मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अब हम नाटक करना चाह रहे हैं, नाटक कैसे करें। तो राजस्थान, मैं MA कर रहा था राजस्थान यूनिवर्सिटी में, रिसर्च में फैलो था, राजस्थान विश्वविद्यालय नाट्यशास्त्र नाट्य परिषद की स्थापना की, और उसके बैनर में कांचन रंग शम्भू मित्र का नाटक, जिसका अनुवाद किया था नेमी जी ने, आपकी परफॉर्मेंस भूल नहीं सकते पांचों गोपाल। मैं उसमें नौकर की भूमिका में था,
और ये मेरी मालकिन थी। हाँ मालकिन, घर की मालकिन। हाँ तरला थी रमा पांडे, हमारी बहुत अच्छी मित्र, इनकी बड़ी बहन तृप्ति और एला से बड़ी। और ठीक हाँ भूमिजा में भी थी, आप लोगों को बहुत याद है। तो वो नाटक ऐसा हुआ पिंचो कपूर, हम सब लोग दीवाने की तरह से काम कर रहे थे, कहीं छोटे बड़े की भावना नहीं थी, जिसको जो काम मिल गया वो कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि मैं हम लोग जितने भी लोग हैं बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि जयपुर का रंगमंच अगर उस वक्त समृद्ध हुआ, जयपुर के नाटकों को देशांतर या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसका कारण था यहाँ जो नाटक के लोग थे उनकी आत्मीयता, उनका परिश्रम और उनकी एक निष्ठ भावना, यहाँ कहीं भी दुराव नहीं, कहीं कोई झगड़ा नहीं, वैमनस्य नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, कहीं कुछ नहीं। वो मैं समझता हूँ हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मित्रों प्रेरणा जी बैठी हैं, नमस्कार, आपको भी बहुत पुरानी बातों की याद होगी, आप इतनी दूर बैठी हुई हैं, अगर नज़दीक आती तो बहुत अच्छा रहता। नाटक जी, एक बहुत बड़ा चेंज जयपुर में तो रंगमंच हुआ, फिर एक मैं अपनी कमज़ोरी महसूस मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं निरंतर लेखन या नाटक वो नहीं कर पाया, और मैंने एक समझौता किया, नौकरी कर ली। और नौकरी ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है नौकरी। पहले एमए करने के बाद मैं जिस तरह से भी गोपाल दास जी को याद करता हूँ, मैं बीकॉम किया था, मुझे एमए में एडमिशन नहीं मिल रहा था, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मैंने बीए किया और बीए करके फिर मैंने एमए में एडमिशन लिया। एमए में मैं फर्स्ट डिवीजन सेकंड पोजीशन आया और मुझे नौकरी मिल गई लेक्चररशिप की। और फिर लेक्चररशिप की नौकरी का जो खून ज़ुबान पर लगा तो नाटक छूट गया। फिर वहाँ से फिर मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव होकर के ऑल इंडिया रेडियो चला गया। ऑल इंडिया रेडियो से फिर वही ये आदमी की कमज़ोरी होती है, सब समझौता करता है तो कोई अंत नहीं। रेडियो से बीबीसी, बीबीसी के बाद फिर वहाँ से आने के बाद संगीत नाटक एकेडमी डिप्टी सेक्रेटरी। हाँ ये बात ज़रूर रही कि जब तक मैं नौकरी में रहा तो मैंने नाटक तो नहीं किया, लेकिन नाटक को पढ़ा बहुत रूपांतर, और गुरुजनों से सीखने की कोशिश की, बहुत कुछ सीखा। इन्होंने एला जी ने कहा था नाट्यशास्त्र के बारे में, और प्रेरणा जी हैं तो, साहब कारण जी इन सब के हाँ इसको मैंने रेडियो में नाटक भी तो बहुत रूपांतर। हाँ रेडियो सारे नाटक आपकी देख रेख में हो गए। हाँ तो आप के पक्ष आप दोनों के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, तो उस पर भी आ जाइए। पर काम इन्होंने इतना किया है ना, क्योंकि समय को देखते हुए मैं पढ़ रही थी, वरना भारत भाई साहब का जितना रूपांतरण इन्होंने किया, जितने नाटक लिखे हैं रेडियो के लिए, वो भी उसी का एक अंग है, स्टेज ही नहीं है, जरूरी नहीं। इतनी छोटी सी बात मैं बता देता हूँ रेडियो के बारे में, मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव था और उस वक्त प्रोड्यूसर और प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उन दोनों में 36 का आंकड़ा होता था। किसी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव सरकारी अधिकारी होता था, और जो प्रोड्यूसर होता था उसका काम होता था नाटक प्रोड्यूस करना, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव को हाथ नहीं लगाने दिया जाता था नाटक में, ऐसी स्थिति थी। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, एक्सेप्शन। तो मैं भैया इतनी सारी बात है, नसीम भाई शुरुआत अनाउंसर से की थी, कैजुअल अनाउंसर, उसके बाद स्क्रिप्ट राइटर, उसके बाद मैं फिर बांसुरी वाला जो भी मुझे याद है, बांसुरी का जो बहुत अच्छा बताइए ना, बांसुरी का जो मैं पूछने वाले पीतल की बांसुरी, इनको बताना पड़ेगा की बांसुरी तो अभी तक वहां बज रही है। ये ऐसे प्रसंग हैं मेरे
जीवन के शरारती प्रसंग उनसे भी सीखते हैं। प्रसंग ही आपको मालूम है ना, बताइए ना भाई साहब, जिनको नहीं मालूम है कि बांसुरी वाला छोटा सा तो बता दीजिए आप। रेडियो का दृष्टांत है, अच्छा है, वरना सुना दीजिए। सुना दीजिए प्लीज। जरा थोड़ी झिझक होती है अपनी मूर्खताओं के बारे में बात करते हुए, अपनी शरारतों के बारे में बात करते हुए, लेकिन फिर भी आप तो, क्या हुआ था, मैं उस वक्त अनाउंसर था और समय नहीं बहुत समय आपके लिए। तो उस वक्त ये जो आजकल डेक वगैरह हैं वो नहीं थे, हमें नेक्स्ट प्रोग्राम क्यू करने के लिए टेप थे, उसको रिवाइंड करना पड़ता था नया टेप लगा करके तुरंत, और तीन मिनट के बिट्स होते थे, 3 मिनट में उसको रिवाइंड करके नया टेप लगा के सुन करके क्यू करके और फिर ब्रॉडकास्ट करना पड़ता था। तो मैं कर रहा था, समय बहुत कम था, तो क्या हुआ, वो डबल स्पीड पे हम चेक करते थे। तो मैंने चेक किया, दूसरा टेप लगाया, वो था जगदीश बर्मन हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, उनकी बांसुरी का वो लगाया, क्यू किया, देख लिया, और टाइम लाल सुई चल रही है, जैसे हुआ अनाउंसमेंट करना है तो मैंने फेड इन किया और अनाउंसमेंट करना शुरू किया। अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ही मुझे फेड इन करना था प्रोग्राम। अब मैं वो डबल स्पीड से सिंगल स्पीड करना भूल गया है अब जो भी कुछ। अब वो जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो तर ऐसे बांसुरी बज रही थी। मैंने उसे इसके बाद ऑन कर दिया मैंने, और स्टूडियो नहीं लिया तो मुझे पता नहीं कि एयर पे क्या जा रहा है। मैंने दूसरा जो प्रोग्राम था वो टेप किया और क्यू कर दिया और निश्चिंत बैठा। इतनी देर में जो ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव थे, जो सुन रहा था, वो उन्होंने एंटर किया बहुत इत्मीनान से। अब वो डबल स्पीड बज रहा है, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव और मैं वहाँ हूँ। तो उन्होंने कहा कि कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, क्या कर रहा है। मैंने टेप निकाल कर बतला दिया क्यू शीट ये दिस दिस दिस। तो ये जगदीश बर्मन का बांसुरी वादन, हाँ वही चल रहा है, इसकी आवाज़ कुछ ऐसी ऐसी आ रही है। आप आई एम सो सॉरी, याद करता हूँ उस पर गोपाल दास जी ने बहुत डांटा था मुझे। तो मैंने कहा ये बांस पीतल की बांसुरी बजा रहा है। तो गए फिर सही किया, फिर विलंबित। ऐसे ऐसे कमबख्त दोस्त हों तो सारी मूर्खताएं उजागर हो जाती हैं। एनीवे हाँ, पहले ध्रुत अग्रे और फिर जब वो गया अपने स्टूडियो पे, तब तक मैंने ठीक कर दिया था। गोपाल दास जी का फोन, क्या हुआ, क्या गड़बड़ हुई। तो ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव ने कहा सब ठीक है, मैं स्टूडियो में होकर के आया हूँ, क्यों है, क्या हुआ, क्या था। कुछ नहीं, सब ठीक है। वो ध्रुत में चल रही थी सब, वो ध्रुत में चल रही थी। खैर, रेडियो पर मीटिंग होती थी, मीटिंग में पूछा गया तो उसने जो मैंने कहा था वही कह दिया। गोपाल दास जी इतने ज़ोर से डांटा उसको कि तुम गधे हो, तुमको घुसने नहीं दिया जाना चाहिए ब्रॉडकास्ट में। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, अब मुझे मालूम हो गया था कि गड़बड़ पता नहीं क्या होगा। अब गोपाल दास जी पूछे क्या हुआ था, ये सब गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आइंदा नहीं करूँगा। हुआ क्या था, गलती हो गई, कुछ नहीं बताया मैंने, गलती हो गई। वो दुखी हो गए 4-5 मिनट। फिर तो उन्होंने कहा कि इस तरह की शरारत कभी भी ब्रॉडकास्टिंग से नहीं, ब्रॉडकास्टिंग से तुम्हें पैसा मिल रहा है, तुम्हारी माँ है, इसके प्रति तुम्हारा धर्म है, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, इस तरह का मजाक कर रहे हो, तुम अपनी शख्सियत के साथ ऐसा कर रहे हो, कभी मत करना। मैंने वादा किया, लेकिन ये जो पीतल की बांसुरी और ध्रुत और विलंबित, वो ऐसा प्रचारित हुआ न केवल जयपुर में, अब तक लोगों को याद है। ये इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन इनसे भी हम सीखते हैं आगे न करें। जो भी कारण था, मैं अगर इस तरह, या वही चीज़ थी जो बीबीसी में हमें काम में आई, रेडियो ने जो प्रशिक्षण दिया
बहुत ही अद्भुत तरीके से बीबीसी में भी और उसके बाद संगीत नाटक एकेडमी में भी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि पुराने प्रसंग हैं ना जयपुर के, तो बहुत मनोरंजक हैं, रोचक हैं, लेकिन अब ज़रा हम महत्वपूर्ण बातों की तरफ आना चाहते हैं। रिटायरमेंट के बाद मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ? रिटायरमेंट के बाद मैंने कुछ किताबें लिखी हैं, नाटक पर दो किताबें, एक तो जब मैं था एकेडमी में तभी हबीब तनवीर पर रंग हबीब जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने प्रकाशित की, और उसके मेरी किताब के साथ एक ये भारतीय नाट्य परंपरा और आधुनिकता, यह भी पिछले वर्ष प्रकाशित हुई। और अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैंने भास के महाकवि भास के 13 नाटक, उनके कुल 13 नाटक हैं, उन 13 नाटकों का पद्यानुवाद वो किया है। उसका कारण क्या है? हमारे संस्कृत नाटकों की जो परंपरा है, अगर हम कालिदास को देखें, भास को देखें, सारे के सारे नाटक काव्यात्मक हैं। हम टैगोर को देखें, भारतेंदु को देखें, काव्यात्मक हैं। अब जो नाटक लिखे जा रहे हैं या जो संस्कृत के नाटकों का अनुवाद हुआ है वो पूरी तरह प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट नाटक को जो आप करेंगे तो नेचुरली आपको रियलिस्टिक तरीके से करना होगा। भारतीय पद्धति क्या है उसके अन्वेषण के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि नाटक का आलेख ऐसा हो। तो मेरे जो गुरुजन उन्होंने उनका आशीर्वाद मेरे सामने, ये नाट्यशास्त्र की जब अपन बात करते हैं तो मैं एक बहुत सामान्य सा प्रश्न आपके सामने करना चाहता हूँ। बंधुओं, हम जयपुर के हैं, जयपुर का शास्त्रीय संगीत वाह 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 सारी दुनिया में, जयपुर घराना, और उसमें भी मांड अलग है और ध्रुपद दमार अलग है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत तो जयपुर का वाह, और शास्त्रीय नृत्य कथक जयपुर घराना, प्रेरणा जी बैठी हुई हैं। किस तरह से शास्त्रीय नृत्य ने और शास्त्रीय संगीत ने केवल जयपुर का नहीं भारतीय शास्त्रीय विधाओं का नाम सारे संसार में उजागर कर रखा है। व्हाट अबाउट द थिएटर? क्या शास्त्रीय नाटक था ही नहीं हमारे यहाँ? था तो कहाँ गया? कालिदास के नाटक कैसे होते थे? भास के नाटक, श्रीहर्ष के नाटक, नागानंद के नाटक कैसे होते थे? वो नाटक तो हैं, उनका तरीका गायब हो गया। वह उसकी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, वो नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले अंग्रेज़ों के शासनकाल में, उस वक्त 20वीं सदी के आरंभ में, इधर भारतेंदु और उधर टैगोर, गुरुदेव रविनाथ टैगोर, इन दोनों ने दो निबंध लिखे, भारतेंदु ने नाटक और रविनाथ टैगोर ने रंगमंच, और उसमें पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों की और भारतीय नाट्य सिद्धांतों की, नाट्य शास्त्रीय सिद्धांतों की इस तरह से व्याख्या की है, इसको हमने इग्नोर कर दिया टोटली। और फिर 50 साल के बाद उधर शंभु मित्र ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटकों को मंचित करके फिर से पुनर्प्रतिष्ठित करने की कोशिश की। हबीब तनवीर ने जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो लोकधर्मी धारा थी उसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश की, कावलम नारायण पन्नीकर ने किया, कारंत जी ने किया, रतन थी हम लगातार कर रहे हैं। इन लोगों के नाटकों की वजह से शास्त्रीय नाटक के वो तत्व फिर से सामने आने लगे हैं। हम क्या कर रहे हैं? जयपुर के रंगमंच के लोग जिनकी हम बड़ी प्रशंसा करते हैं कि ऐसा था ऐसा था, हमको वहाँ बुलाया वहाँ बुलाया, आज क्या कर रहे हैं? ये मेरी बड़ी पीड़ा है। मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे और आप लोगों की शुभकामनाएं मिलें, तो ये जो नाट्यशास्त्र वाला प्रसंग है इसके बारे में मुझे लिखना है। मैं बहुत गुरुजनों से मुझे बहुत कुछ मिला, शंभुदास से, हबीब साहब से। आप ऐसा क्यों ना करें कि जब आप करना चाहते हैं और सारी विधाएं और कलाएं यहाँ मौजूद हैं, शास्त्रीय संगीत वाले भी ये कथक, कि आप बाकायदा नाटक लिखें, विवेचना ना करें, क्योंकि क्या ऐसे नाटक की आवश्यकता है जो संपूर्णता में उस शैली को उभार करके दोबारा लाए, उसके लिए किसी पर बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो मैंने भास के नाटकों का किया है जो आपने किया, उसको फिर आप वो आती है अभी अगले वर्ष तक आ जाएगी,
लेट अस सी अब तृप्ति सच बात यह है कि मुझ में इतनी शक्ति इतनी ऊर्जा नहीं है, विचार तो है। कौन कहता है आप शक्ति नहीं है? जैसे आप फंसे तो शक्ति शक्ति है। नहीं आप यू आर राइट, उस तरह डायरेक्ट नहीं कर सकता मैं, डायरेक्ट नहीं कर, जैसे मैंने चित्रलेखा किया जी, उस तरह से। पर जो आपके अंदर जो बात है उसको आप इन लोगों से, अशोक जी आप यहाँ मौजूद हैं, आप लोग मिलकर के वही बात आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी बात जैसे शेक्सपियर को, मेरा एक और भी इसी से जुड़ा हुआ छोटा सा प्रश्न था। अरे इब्सन के नाटकों को तुमने कितने खूबसूरत तरीके से किया है, फोक फॉर्म में, भारतीय पद्धति में, बस इतना सा है वो शास्त्रीय पद्धति नहीं रही, वो लोक धर्मी पद्धति। एलाजी ने बहुत काम किया है, अब बहुत सारे लोगों ने काम किया है, पर यहाँ मौजूद हैं इतने सारे लोग तो आप कर सकते हैं वो नाटक, आप करिए। ये आगे की बात है, अभी तो मैं ये बता सकती हूँ देखिए, इसीलिए मैंने एक बहुत बड़ा आयोजन किया था यहाँ, और जिसमें कहीं सरकार से पैसा नहीं मिला था, रंग पंडिकर, पंडिकर जी के 7 नाटकों को उनके पूरे ग्रुप को बुलाया, हाँ। यहाँ ठहराया, आप भी आई थी उसमें सेमिनार में, और क्या सेमिनार था, नेशनल सेमिनार था, जिसमें कमलेश त्रिपाठी, रतन थियम, वामन केंद्र, शायद ही कोई ऐसा महत्वपूर्ण डायरेक्टर हो जो जिसको बुलाया गया और नहीं आया हो, और बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत अच्छी। उसका प्रयोजन ये था कि लोग देखें समझें कि शास्त्रीय नाटक में अलग अलग लोग किस तरह से कर रहे हैं, और उनकी नकल नहीं करें, वहाँ से प्रेरणा लेकर के अपना मुहावरा साबित करें। इसी तरह मेरी इच्छा है, बहुत प्रबल इच्छा है, कि मैं अगर मौका मिला मुझे तो रतन थियम जी के नाटकों का, 7 नाटकों का एक यहाँ पर जयपुर में एक नाट्योत्सव किया जाए, फिर एक बार नाट्यशास्त्र के बारे में बातचीत की जाए उनके नाटकों के बारे में, जिससे यहाँ के रंगकर्मियों को और कुछ देखने का समझने का मौका मिले कि जिस शास्त्रीय नाटक की बात कर रहे हैं वो पुस्तकीय चीज़ नहीं है, नाट्यशास्त्र व्यावहारिक है, प्रायोगिक है, उसे किस तरह प्रयोग में लाया जाए आज के संदर्भ में। रतन थियम का के नाटक चक्रव्यूह, उत्तर रामचर, अज्ञे जी का नाटक काव्य उत्तर प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी को क्या किस रूप में जो आप प्रश्न कर रही थी उसका उत्तर मैं नहीं दे सका, लेकिन अपने जो बड़े लोग हैं उन्होंने दिया, वो सारी दुनिया में प्रशंसित है। तो चाहे शेक्सपियर का मैकबेथ हो, क्या लेडी मैकबेथ के चरित्र को, वाह वाह वाह। मेरे पास समय नहीं है, क्या ये आपने सही कहा, समय नहीं है, और आपके पास इतना कुछ बताने के लिए जिसके लिए यहाँ पे अखंड भारत भाई साहब को सुना जा सकता है। पर सबसे संवेदनशील काम जो आप खुद कर रहे हैं, जो आपने ये नाट्य कुल चलाया है, उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगी, और जो क्लिपिंग आप लाए हैं कि वो बहुत ही, ये छोटा सा मैं इसकी रूपरेखा जरा सी बता देता हूँ आपको। जहाँ मैं रह रहा हूँ वो प्रकाश जी कोठारी, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, हीरक व्यवसायी हैं बहुत। मैं पहले किराए की जगह लेकर के और काम कर रहा था, उन्हें जब बहुत मेरे पुराने संबंध उनसे, उन्हें जब मालूम हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया कि अब क्यों किराया दे रहा है, मेरे पास इतनी जगह है, यहाँ पे रहिए और काम कीजिए। 10 वर्ष हो गए मुझे कोठारीगढ़ में रहते हुए। तो मैं शुरू में अनाथ बच्चों के साथ काम कर रहा था, फिर उसमें कुछ कारण हुए, चले गए। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, वो मुझे अभी भी एक आदर सूचक शब्द से संबोधित करते हैं, गुरुजी, मैंने कभी पढ़ाया था उनको, गुरुजी आप नेत्रहीन बच्चों के साथ नाटक करना चाहेंगे? मैंने कहा नेत्रहीन बच्चों के साथ नाटक, अरे नाटक तो विजुअल आर्ट है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके साथ नाटक कैसे होगा, क्या करेंगे? तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेल हो जाएंगे तो हो जाएंगे। और तो राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ यहाँ घनगौरी बाज़ार में, नेत्रहीन बच्चों की बहुत बहुत पुरानी संस्था है, 50 साल पुरानी संस्था, उसमें उनका परिचय था, उन्होंने वहाँ परिचय कराया,
वहाँ पर हमने नाटक रिहर्सल करना शुरू किए और एक नई कोड लैंग्वेज के बच्चे मंच पर कैसे आएंगे, मंच पर आएंगे तो जगह जहाँ उन्हें अभिनय करना है वो कैसे तलाश करेंगे, कि लाइट्स आ रही हैं लाइट्स को कैसे फेस करेंगे, जाएंगे एग्जिट का कहीं ऑडियंस की तरफ तो नहीं चले जाएंगे, गिर जाएंगे, तो हमने एक लैंग्वेज उनके साथ साथ शुरू की, म्यूजिकल साउंड, एक नेपथ्य में बैठे हुए मंजीरा बजा रहे हैं, मंजीरा बजा रहे हैं तो दर 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 जल्दी चलो, दर 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 रुक जाओ, ढोलक पर अलग अलग तरीके से, मंच पर रस्सी चिपका दी जिससे बच्चा पैर से समझ सके कि लोकेशन क्या है। अब मैं हमने तीन नाटक किए, एक नाटक नहीं, तीन नाटकों के बहुत छोटे छोटे अंश हम आपको दिखलाते हैं। ये कौन सा है राजीव, जरा आइए। सबसे पहले अगर आप ठीक समझे तो नंदन कथा का वो दृश्य जहाँ बच्चा अकेला बच्चा है, नेत्रहीन बच्चा पैदा हुआ है, माँ बाप बाप खास तौर से शादी ब्याह में जा रहे हैं और बच्चे को घर में बंद करके चले आते हैं, वो घर में बंद है, लॉक्ड है, और वो लॉक्ड अब वो जमीन जहाँ उसका कमरा है उस कमरे को खोलने की कोशिश कर रहा है, अगर नाटक आप देखते तो दृश्य अच्छी तरह समझ, अब वो कैसे उसी जगह में जाएगा और रोना बच्चों, अरे इन बच्चों को रोना नहीं आता, सहमते हैं, खुल करके बात नहीं कर सकते, हंसना तो आता ही नहीं है इनके साथ कर काम करते हुए, और ये दृश्य में छोटा सा नाटक है, ये दर्शकों को तड़पा देता था इस बच्चे की जो पीड़ा है, इस तरह कोई दूसरा एक कोई और ये बिल्कुल नेत्रहीन बच्चा है, बहुत अच्छा जश्न ईद का बतलाइए ज़रा कुछ, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह उसका मैंने रूपांतर किया था। हामिद और दादी अमीना, बूढ़े
में से इतनी सी कि ये जन्म से ये बच्चे जन्मांध हैं, इन्होंने बीमारी से नहीं खोया हो, ये माँ भी और ये जन्मांध हैं, कभी किसी तरह का अनुभव नहीं है। और जो घर है दादी का घर, वहाँ पर कैसे जाएंगे, कैसे तलाश करेंगे, तो हमने इसके लिए डिवाइसेस तलाश की। अब बता देता हूँ, पैर से रस्सी टेप लगा दी है, उन्हें बता दिया कहीं गोल घेरा बना दिया है, कहीं फूल बना दिया है, कहीं चौकोर है कि चौकोर जगह तुम्हारी है, यहाँ आओगे चलो प्रैक्टिस करो, वो पहचान जाते हैं बड़े अच्छे तरीके से, वहाँ शुरू हो जाते हैं। अब म्यूज़िक के ज़रिए से साउंड्स इनके लाजवाब होती हैं, साथ आ रहे हैं तो कंधे पर हाथ रख के आ रहे हैं, जहाँ कहीं दिक्कत नहीं, लेकिन जब इंडिविजुअल हो जाते हैं तब क्या करें। एक छोटा सा दृश्य बता रहा हूँ आपको, या इसी नाटक में हामिद चिमटा खरीदता है, सब सारे बच्चे कहते हैं कि क्या चिमटा खरीद के लाया, वो हामिद कहता है कि मेरा बहादुर चिमटा और ऐसा है और ऐसा है, सारे लोगों को निरुत्तर कर देता है, तुम अपना बिश्ती तो दिखाओ। और सारे बच्चे कहते हैं कि हमें भी देखने दे तेरा चिमटा, हमें भी देखने दे। और वो कहता है अच्छा पहले चिमटा जिंदाबाद नारे लगाओ। अब जो हामिद है उसने चिमटा खड़ा कर रखा है और सारे बच्चे घेरे हुए हैं, घेरा तो बना लिया उन्होंने हाथ से। अब वो हामिद का चिमटा जिंदाबाद ये नारे लगा रहे हैं, और जब तक वो चिमटे की तरफ आँख हो आंगुली उठा करके नहीं करेंगे तब तक केंद्रित कैसे होगा, सारे के सारे लोग चिमटे की तरफ आंगुली कैसे उठाएंगे नाटकीय बनाने के लिए। मित्रों ये सूझबूझ हमारे गुरुजनों ने दी, वो जो हामिद है उसके एक हाथ में चिमटा है और दूसरा से चुटकी बजाता है, तो चुटकी की आवाज़ सुन करके सारे के सारे लोगों को पता पड़ता है यहाँ से आवाज़ आ रही है, सब आंगुली उठाए थे। इस नाटक को जब सबसे पहले देखा दर्शकों में से कुछ एक कुछ होते हैं मंचले, उन्होंने कहा ये चीटिंग है, ये दर्शक ये अंधे हो ही नहीं सकते, इतना परफेक्ट टेक्निक नहीं हो। मैंने और कुछ नहीं किया, कर्टिन कॉल में उनको माइक दे दिया, पूरी लाइट थी, और जब उन्होंने देखा कि किस तरह माइक दे रहे हैं इस दूर और वाकई में नहीं है, तो उसके बाद जो स्टैंडिंग ओवेशन था उससे बच्चों को। दोस्तों ये मेरे पास समय बहुत कम है, ये दूरदर्शन में ये संगीत नाटक अकेडमी रिटायरमेंट के बाद जो मैंने प्रयोग किए हैं वो प्रयोग मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, मैं चाहता हूँ कि उसे कंटिन्यू करें। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टीम, ऐसा नहीं है मेरे साथ काम करने वाले लोग नहीं हैं, यहाँ प्रीति दुबे भी बैठे हुए हैं और अशोक भाई बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके अपने अपने क्षेत्र हैं। ये मुझे लगता है कि मैं अपने साथ लेकर के चला जाऊँगा तो बड़ा बहुत गड़बड़ होगी। इसी तरह लिखने का बहुत सारी चीज़ें हैं, इलाजी ने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे पास वक्त बहुत कम है, कैसे करूँगा। आप लोगों की शुभकामनाएं। मुझे ये भी लगता है कि कभी आप लोग ज़्यादा जानते हैं कि फोरम की तरफ से भी 3 दिन की वर्कशॉप ऐसी हो जो ख़ास तौर से जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इनके साथ मिल करके इस बात को समझे और विधा को आगे बढ़ाएं। आई थिंक दैट कैन बी फ्रूटफुल थिंग। आज तो आपने सिर्फ सुना, उनको सुनना मैंने पहले कहा कि इतना समय काफ़ी नहीं है, पर ये यादें हैं, ये इनका लगाव, ये इनके अपनी जन्मभूमि से, नाटक से, रेडियो से, तो ये वाकई में जो इतना चाहे भास पे काम किया चाहे इन लोगों के साथ काम किया। अशोक जी जिम्मेदारी आप पे ज़्यादा है क्योंकि जो लोग यहाँ हैं, तो इससे पहले सेशन ख़त्म हो मैं ये भी बताऊँगी कि कुछ चीज़ें तो मैं सुषमा जी पहली सीट पे बैठ गई, वरना मैं बता रही थी कि कविता से इनकी जिंदगी में कौन कौन आया, कैसे कैसे आया कविता खुद नहीं, अभी तो पेंटिंग खुद आई इनकी जिंदगी में, बहुत कविताएं और गीत जो हैं कविता पढ़ के बिस्तर बोरिया लेके चले आए, पर इन्होंने मुझे कहा कि तुम ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे बात गड़बड़ हो जाए। तो मैं ये कह, मैंने कहा भाई साहब आपने भीड़ के छत्ते में यहाँ डाला है, मतलब मधुमक्खी के, बोले नहीं मेरा हाथ ही खुद छत्ता था, मधुमक्खियाँ खुद आ जाती हैं। इज स्टिल नॉटी बट मैं सुषमा जी से ये कहूँगी कि ये बहुत लकी है, और वो भी बहुत लकी है कि
जीवन में जो इन्होंने सहयात्री चुना वो खुद इतनी संवेदनशील पेंटर हैं। पहली हमारी जब जान पहचान हुई थी उस समय मैंने इनके हाथ का बनाया कटहल खाया था सूखा, वो आज तक उसका जायका है। शी इज़ अ ब्यूटिफुल पेंटर एंड आर्टिस्ट हर सेल्फ, और ये जुगल जोड़ी सलामत रहे और इसी तरह से ये लोग अच्छा काम करते हैं। मैं अंत में आप भी कुछ कहना चाहिए एक दो बंधु हो, मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, ख़ास तौर से राजस्थान फोरम ने ये जो आयोजन किया मुझे मौका दिया। बहुत सारे उद्गार जो मैं कहीं कह नहीं सकता, लिख नहीं सकता, बता नहीं सकता, उन सबको प्रकट करने का अवसर मिला। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ राजस्थान फोरम का और ख़ास तौर से सर्वेश्वर जी का। वाह वाह वाह, मैंने बहुत बरसों से जानता हूँ, रीढ़ की हड्डी, इतनी मेटिकुलस प्लानिंग, इतना योजनाबद्ध तरीके से और इतना अनुशासित तरीके से काम करने वाले, बहुत वर्षों के बाद मुझे एक व्यक्ति नज़र आए हैं जैसे। और मित्रों ये बात भी सही है कि बातें तो हरि अनंत हरि कथा अनंता बहुत भंडार है। इलाजी ने जब ये मालूम हुआ कि इस तरह का प्रोग्राम करना चाह रहा राजस्थान फोरम, तो कितनी उदारता सदाशयता से ये कहा कि भारत भाई साहब को इंटरव्यू मैं करूँगी, भारत भाई साहब के साथ बातचीत मैं करूँगी। मेरा स्वार्थ था ना, ये नहीं मेरा मेरा था दोनों चली लड़ेगी किसका था। तो बहुत बहुत बड़ी बात, इतने वर्षों के बाद एंड शी इज़ अ सेलिब्रिटी, पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ का फिल्मों में। मुझे श्याम बेनेगल जी बम्बई में, वहाँ मुझे मौका मिला तो जयपुर का मैं हूँ मैं ये जान करके उन्होंने दो लोगों का नाम लिया कि मेरी टीम में दो जयपुर के लोग हैं जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, एक है देवेंद्र मल्होत्रा और दूसरी हैं एला अरुण। श्याम बेनेगल की कितनी फिल्मों में इन्होंने काम किया, आप ज़रा देखिए कितना ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। अब कई सारे प्रसंग हैं, रहना वाला प्रसंग तुम्हारा एप्सन के नाटक वाला वो भी मुझे याद है, तो जिस तरह से मैं हबीब सक्सेना साहब वाली बात कर रहा हूँ बिल्कुल पैरेलल इनका अनुभव कि रैना के साथ, रैना सारा सहयोग देने को तैयार है। इप्सन का नाटक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में होने वाला है, निसार अल्लाना हैं इनसे कह रहे हैं कि नाटक कीजिए आप डायरेक्ट करेंगे, इनको नर्वसनेस हो रही है कि कैसे करूँगी, और के रैना कहते हैं चिंता मत करें, आई एम विद यू, आई एम बिहाइंड यू, डू इट, और कहीं कोई श्रेय नहीं। क्या बात है, क्योंकि इन्होंने HP सक्सेना साहब के बारे बताई थी कि कितनी देर तक वो ये कहते रहे कि नाम तुम्हारा ही जाएगा, और वो कह रहे थे डायरेक्टर आप हैं, पर वो एक ज़माना था, वो एक परंपरा थी कि नाम का कोई भूखा नहीं था, हर आदमी काम कर रहा था। आप अपने आप में अगर एक सहारा देते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। एनीवे भाई साहब, आज मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा, और आप तो हमेशा बहाने बनाते हैं, जब मैं इनको फ़ोन करती हूँ कि इनको बात नहीं करना होता है तो मेरे को डर जाती हूँ, भाई साहब क्या हुआ, मैं क्या बताऊँ इला, आज देखिए सुबह से चौकन्ने तुम बताओ कि मैं सचमुच मेरी तबीयत खराब होती है तब कब तो वो सिर्फ आपको बुलाने के लिए और मेरे से बट हिज लाफ्टर गिव्स मी लॉट ऑफ एनर्जी एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर डिकेड्स नाउ, और वो कंटिन्यूशन अरुण का और भारत भाई साहब का भी, चाहे BBC हो चाहे लंदन हो, तो सब जगह ऐसे ही रहा। आप सब लोगों के साथ ये ज़बरदस्त आपने बात करी, थैंक यू वेरी मच अपरा कि आपने, थैंक यू वेरी मच इंडीड, थैंक्स अ लॉट, आई एम रियली ग्रेटफुल। आई एम स्पीचलेस, इतनी बढ़िया आप लोगों ने बातचीत करी, ऐसे लगा कि हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं और किससे कहानी सुन रहे हैं, और एक बार भी ऐसे ही नहीं लगा कि कोई इंटरव्यू आपका कर रहा है। आप लोग दोनों ने इतने अच्छे तरीके से किस्से सुनाए कि हमको लगा, मुझे लगा मैं भी शायद उसका पार्ट थी। सो थैंक यू सो वेरी मच।
मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर किसी के पास सवाल है, हम दो सवाल ले सकते हैं क्विक वंस अगर आपके पास कुछ हो, फिर हम जी अशोक जी। सवाल नहीं है, मेरी गुजारिश है राजस्थान फंड से कि इस तरह के जो हमारे अग्रज हैं इनका एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बातचीत हुई है, लेकिन मैं आपसे अपरा जी और सर्वेश भाई आपसे सबों से कहूँगा, राजस्थान फोरम के मेंबर्स भी बैठे हुए हैं, कि ऐसा एक हम ये योजना बनाएं कि इनका डॉक्यूमेंटेशन 3-4 घंटे का बातचीत का विजुअल और ऑडियो का होना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम है, इसको बस ये मेरा आपकी भास के जो नाटक हैं वो पब्लिश हो गए, तो आप लोग इस दिशा में भी सोचिए। नहीं, वो अंडर पब्लिकेशन है और अगले साल वो हाँ फाइनल हो गया, वो 2 खंडों में आ रहे हैं वो, क्योंकि 13 नाटक है, 7 नाटक और 6 नाटक। अपने आमंत्रित करना चाहूँगी सर्वेश भट्ट जी को कि आकर अपनी बात रखें यहाँ पर। आइए सर्वेश जी। इस गुणीजनों की महफिल में जिस तरह से गुण सूत्रों का मंथन हुआ आज, वो अद्भुत है अपने आप में। इलाजी ने तो कमाल ही कर दिया, किस तरह से मतलब एक गुरु को के लिए सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है, ये आज बहुत कुछ सीखने को मिला। और भारत रत्न जी तो हमारे रंग जगत के रत्न हैं, भारत रत्न है। और भारत जी ने कहा कि मेरे लिए कुछ कहा, लेकिन मैं तो केवल पर्दे के सामने हूँ, पर्दे के पीछे जो लोग हैं जो कि मेरे को दौड़ा रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, वो कुल दूसरे लोग हैं, वो कभी भी सामने नहीं आते हैं। आदरणीय संदीप भुथोड़िया जी, हमारे श्री सीमेंट के चेयरमैन हरिमोहन बांगड़ साहब, ये सब लोग, इन लोगों की वजह से ही ये राजस्थान फोरम पिछले 10 सालों से अपने प्रयासों में सफल हो रहा है, और हम केवल उनकी परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। और हमारे साथ जो हैं हमारे रीढ़ की तरह ही हैं अपरा मैडम, अपरा कुच्छल मैडम, हमारी अमृता, इनके बगैर हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम कोई आयोजन कैसे करें। एक आयोजन में 20 फोन अमृता को जाते हैं तो 10 फोन अपरा जी को भी जाते हैं। तो हम सब लोगों की एक टीम है और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे अच्छे लोगों का, हमारे पास 30 हीरे मोती हैं राजस्थान के जो कि इसके मेंबर हैं, उसमें से 10 तो पद्मश्री हैं और फिर बाकी लोग भी ऐसे हैं कि जिन्हें कभी भी पद्मश्री दिया जा सकता है, क्योंकि सम्मान मिलना कोई एक प्रतिष्ठा जी। तो अभी कुछ लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, पद्मश्री तिलक गीताई साहब, इकराम राजस्थानी साहब, बस कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, नाम ही काफ़ी है, नंद भारद्वाज जी, अशोक राही जी, संजय कौशिक जी, संगीता जुनेजा जी भी आई थी शायद पीछे, कुछ लोग बैठे हुए हैं, संगीता जुनेजा जी बैठी, मंजरी महाजनी जी कथक में हमारे सब लोग, तो इस तरह से सारे फील्ड के कला साहित्य संस्कृति, और अब इसमें हमने स्पोर्ट्स को भी जोड़ दिया है, प्रेरणा श्रीमाली जी, और प्रेरणा श्रीमाली जी भी हमारी बहुत जल्दी हमारे मेंबर की ही तरह हैं, क्योंकि प्रेरणा जी के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि ये फाउंडर मेंबर थी हमारी, पर जब ये दिल्ली में थी तो कुछ ही व्यस्तता के कारण ये कंटिन्यू नहीं कर पाई, और अब वापस से राजस्थान फोरम से बहुत जल्दी जुड़ने जा रही हैं, क्योंकि अब ये जयपुर में है, काफ़ी टाइम दे पाएंगी। तो इस तरह से ये बड़ा संगम है अद्भुत कलाओं का, और उसमें स्पोर्ट्स भी जोड़ लिया, जिसमें कि अपूर्वी चंदेला और देवेंद्र झाझड़िया को हमने जोड़ा है इसमें, और सब लोग अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से हर इवेंट में आते हैं और सबका बहुत सहयोग रहता है। इन सब के मार्गदर्शन से ही हम लोग तो केवल एग्जीक्यूटर्स हैं, बाकी योजना इन सब लोग मिलकर बनाते हैं, और हम जैसा इनसे निवेदन करते हैं उसमें ये लोग और इजाफा करते हैं। मैं इलाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने बॉम्बे से आके इतनी इस ऐसे टाइम में आप आए, और इलाजी ने वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, ये शो इलाजी के इंटरेस्ट की वजह से ही इतना अच्छा हो पाया है, और फिर सर का तो आशीर्वाद था ही, और सर ने भी तुरंत, क्योंकि सर ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा ये भी पर्दे के पीछे रहे, इन्होंने बस किया है, उसका बखान कभी नहीं किया, ये उन लोगों में से हैं, एक मनीषी हैं, एक साधु हैं, समझिए आप, जो तपस्या करते हैं केवल ये लोग। सरताज भाई साहब को भी नहीं भूल सकते जी, सरताज नारायण माथुर साहब भी हमारे इसके मेंबर हैं, सबसे सीनियर वो ही हैं,
87 में रन कर रहे हैं सरताज माथुर साहब, और बुद्धि से एकदम अभी भी जवान हैं और बिल्कुल नए नए बच्चों को तराश रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों का संगम एक बनाने का हमको मौका मिला राजस्थान फोरम, और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं अंत में, हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ प्रसारण कर्मी नसीम जेब साहब मौजूद हैं, उनसे आग्रह करूँगा कि वो आएँ और कलाकारों को एक छोटा सा स्मृति चिन्ह भेंट करें। Yes, yes. Wait, yeah. Kareem.